अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज, उसका सोल्यूशन मैंने आपको सेंड किया था। आज के लेसन में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, क्विक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, गिव ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट सम इफेक्ट्स और इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंडिकेटर्स जो हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो एक है, द कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल, जो आपका कंप्यूटर है वो पहले से स्लो चलना स्टार्ट कर देगा। अनयूजुअल एरर मैसेज अकर्स या अपीयर्स, जो आप अनवांटेड मैसेजेस हैं वो आपको शो होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल फजूल होंगे, जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा, वो मैसेजेस जो हैं वो आपको शो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द वायरस एंड वॉर्म। वायरस एंड वॉर्म में क्या डिफरेंस है, वायरस क्या होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इनिशियली टू अल्टर द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर। कंप्यूटर खुद से ऑपरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, यूज़र यानी कि जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला है उसको नहीं पता होता, उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है कंप्यूटर में चेंजिंग शुरू हो जाती हैं, ऑपरेशन खुद से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर, तो ये वायरस की वजह से होता है। वॉर्म क्या है, कंप्यूटर वॉर्म्स आर मिलीशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली एंड हार्म द कंप्यूटर। वॉर्म के बारे में पहले भी बताया था कि जो ये जो है वो आपके सिस्टम में जो है वो फैलना शुरू कर देता है और फैलते फैलते आपके सिस्टम को हार्म करता है, आपके सिस्टम को डैमेज करता है, फाइल्स को रिमूव करता है, डिलीट करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वायरसेस एंड वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट के जरिए वायरस और वॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से फैलते हैं। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड दैट इज सेंड थ्रू एन अटैचमेंट। This virus required the user on double clicking on the attachment containing virus. This may send the malicious code to others through email. कहते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का कोड होता है, ठीक है, कंप्यूटर में जनरेट होता है वायरस के जरिए और वो अटैच कर दिया जाता है ईमेल के साथ। जब ये ईमेल दूसरे बंदे को पहुंचती है और वो डबल क्लिक करके इस अटैचमेंट को ओपन करता है, तो वो जो मलिशियस प्रोग्राम होता है, मलिशियस कोड होता है या वो जो वायरस होता है वो इंस्टॉल हो जाता है दूसरे बंदे के कंप्यूटर में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ अ हैकर, व्हाट कैन अ हैकर डू। हैकर कौन होता है और हैकर क्या करता है या क्या कर सकता है। द अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड द हैकिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक बंदा जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर में एक्सेस हासिल करता है, ठीक है, और वहाँ पे चेंजिंग्स करता है या आपके आपका डाटा जो है वो चोरी करता है या जो कुछ भी वो उसमें परफॉर्म कर रहा होता है, वो हैकिंग होती है प्रोग्राम्स के थ्रू। द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन हैकिंग इज नॉन एज हैकर। जो बंदा हैकिंग कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ये हैकर है। A hacker can steal information, password, email address, etc. हैकर क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस वगैरह को चोरी करता है इलीगल पर्पस के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ एडवेयर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। एडवेयर जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे, कंप्यूटर की वर्किंग में कैसे असर डालता है। एडवेयर ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज, प्लेस एंड डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट टू अ कंप्यूटर यूजली विदाउट यूजर्स नॉलेज। यूज़र की नॉलेज के बगैर जो है वो उसमें डिस्प्ले करना शुरू कर देता है एड्स को, और प्ले करता है और उसको डाउनलोड करता है, जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचता है अनवॉन्टेड सॉफ्टवेयर या अनवॉन्टेड एडवर्टाइजमेंट की वजह से। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस की टाइप्स के नाम बताएँ। NYV, NTX, EXE या X, उसके बाद है Cascade, Frodo, Win95, NZMIST, etc. ये सारी जो हैं वायरसेस की टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस इज़ अ प्रोग्राम
दैट डिटेक्ट्स प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू रिमूव मिलीशियस प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल एम कैफे सॉफ्टवेयर ए वी जी एंटीवायरस। एंटीवायरस ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में वायरस को डिटेक्ट करता है और आपके सिस्टम को वायरस से इफेक्ट होने से बचाता है, वायरस के अटैक से बचाता है, और अगर आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है तो उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको आपके सिस्टम से रिमूव भी कर देता है। तो एग्जांपल जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की वो हैं एम कैफे सॉफ्टवेयर है और ए वी जी सॉफ्टवेयर है। बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आपने इनको याद करना है अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़।